हाय पुनीत, हेलो भैया, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ। सो नाइस टू सी यू फाइनली। मैं भी थोड़ा लेट हो गया मिलते मिलते, बट ठीक है, चलो ये भी अच्छा वही था। आपका चैनल भी मैंने वो पैंडेमिक के टाइम पे ही मैंने डिस्कवर किया था, और ग्रुप जितने फेसबुक ग्रुप्स थे उनको भी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, बट हाँ मुझे समझ में आ गया था कि हाँ ऑनलाइन मार्केट अभी भी कॉमिक्स के चल रहे हैं। तो फिर मैंने देखा यार नहीं, कुछ लोग हैं जो प्रॉपर इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं इस चीज को, और जनरली एक छोटे कम्युनिटी में ऐसा बहुत रेयरली देखा जाता है। यूट्यूब को जनरली लोग अगर ऐसे देखो आप तो आप समझो कि ठीक है, वहां से भी हम कुछ निकाल लें, कुछ अर्निंग निकाल लें, एक बड़ी ऑडियंस में बन जाए। बट इस नीश में ऑलरेडी ये जान के कि ऑडियंस बहुत नहीं है, एक फ्रैगमेंट है, उस पे उसको केटर करना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जनरली कोई करता नहीं है, बट ये आपने स्टार्ट किया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि उसकी वजह से जिनकी जिनकी शक्लें मैंने नहीं देखी थी और जिनके आर्टवर्क मैंने हमेशा देखते आया था, उनकी मुझे फिर देखने को मिला कि वो किस तरह से किस चीज को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे वो किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो देखने को मिला। तो एक तरह से मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ उस चीज के लिए। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। घर वाले ने भेजा बाल कटवाने के लिए, जाओ बाल कटवाओ। अब मैं नाई के पास बैठा हूँ, वो बगल में देखा कि एक औरत बैठी है सब्जी लगा के, उसके पास एक कॉमिक्स पड़ी हुई है। तो मैं बोला यार ये बहुत अच्छा दिख रहा है, वो बाल काट रहा है, बाल बार 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 मेरा सर ठीक करे। बोला यार ठीक है, वो किसी तरह से उसने डन किया। मैं उसके पास गया, औरत के पास, मैं कहा ये क्या है, कह देखो। अब मैं देखा तो वो थी चुम्बा का चक्रव्यूह। सबको कमांड तो दी। मैं देखा यार ये बहुत अच्छी चीज है यार, और उस समय मेरा पढ़ने में इतना ध्यान नहीं था, बट हाँ ये था कि पढ़ाई वढ़ाई चलती थी, लेकिन फिर भी एक बार था ना कि यार ये मीडियम अच्छा लग रहा है, मेरे को देखने में अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी चीज है। और फिर वो बाइक रेस वाली चीज, वो ट्रेन वाली चीज, वो सब देखने में, मैंने बोला यार ये और कहाँ मिल सकती है और कैसे कैसे। मैंने उनसे पूछा कितने में मिलेगी, क्या 2 रुपए में ले जाओ। अब उस समय 2 रुपए में मिलने में ऐसा लगता था कि यार घर वाले देंगे कि नहीं देंगे, तो घर से जिद करके किसी से 2 रुपए लिए मैंने। मैं कहा ठीक है चलो लाओ, फिर घर पे पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर मैंने, होता ना कि एक पहला आपको एक हिट करता है कि यार बनाते हैं, जितनी जितनी इमेजिनेशन से आप सोच रहे हो, तो जिस इमेजिनेशन पे वो आपकी पेपर पे उतरती है, वो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। फिर ऐसा लगता है यार ये क्या बना दिया मैंने, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है वैसा। प्रोजेक्ट्स के चक्कर में कभी स्टेशनरी शॉप पे गया, तो वहां पे चार्ट पेपर लेते लेते एक साइड में गत्ते में उन्होंने रखी हुई थी। मैं कहा वो क्या है, वो आप मेरे को दिखा सकते हो क्या? उन्होंने भेजा, दिखाया मेरे पास। मैं ये तो वही आर्टिस्ट की कॉमिक्स है। उस समय अनुपम सर का काम हर जगह, सुपर कमांडो ध्रुव आप ले लो, प्रताप मोदी सर का नागराज का कुछ इश्यूज हमारे यहाँ आए थे, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि बॉक्स सेट आते थे या फिर एक सेट आते थे, ऐसा कुछ होता ही नहीं था। वो ड्रॉप कर दिया गया, अब दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट रीजन में बंटता तो था, लेकिन जहाँ डिमांड होती थी वहां पहले ड्रॉप करते थे लोग। तो हम लोग के एरिया में ठीक है, मिली तो पढ़ ली, नहीं मिली तो नहीं पढ़ी। फिर वो आदमखोरों का स्वर्ग, स्वर्ग की तबाही, राजनगर, वो जितनी सीरीज थी, तो मेरे को लगा यार ये कनेक्टेड है यार, बाकी कहाँ मिलेगी, बाकी कहाँ मिलेगी। और उस समय कॉमिक्स 6, 7, 8 रुपए से लेके उस तरह से चालू होती थी, बहुत प्रीमियम होती थी, 15-20 रुपए की कॉमिक्स। तो आप हिम्मत तो पड़ती नहीं थी भाई, इतने पैसे घर वाले देंगे नहीं। तो किसी तरह से दोस्तों से, भाई एक काम कर, तू मेरे से ये ले ले, मेरे को वो दे दे, मैं ये पढ़ लेता हूँ, तुम वो। बट ड्राइंग अपनी साइड बाय साइड चलती रही चलती रही, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ 11th में मैं मार बहुत खाया ड्राइंग बनाने के चक्कर में और उस समय यह था ना कि चलो अगर कॉमिक्स मेरे पास नहीं आ रही है, तो मैं खुद कॉमिक्स क्यों ना बनाऊं। तो मैंने 3-4 अपने खुद के कैरेक्टर्स लिए, रिप ऑफ ही थे फिर उनको मैंने बनाना चालू किया, और लगभग मैंने एक डाइजेस्ट बना के रखी हुई है उसकी, अभी भी होगी कहीं पड़ी होगी वो। तो एक दो बार तो ऐसा हुआ कि 11th के पेपर आने वाले हैं, मैं बना रहा हूँ, ऊपर से बुक रखी हुई है, और जैसे ही घर में कोई आता था मैंने वो बंद करनी थी और दूसरी बुक खोल लेनी थी। एक बार ध्यान नहीं पड़ा, बनाते बनाते फादर बगल में खड़े हो गए, और मुझे लगा कि कोई बगल में है बट फिर मैंने क्या किया ना, उस समय बनाते बनाते पेंसिल साइड में रखी, उसको बंद किया, फिर वापस कॉपी खोल ली। मैं कहा अभी देखूंगा तो और मार खाऊंगा, लेकिन मार खानी थी, खाया मैं बढ़िया से। बोला ये सब तेरे को जब भी करना है तो 12th खत्म कर फिर कर, ठीक है पहले 12th कर। बट फिर भाई घर वालों का रहता है कि नहीं अभी पढ़ाई कर, इन सब में ज्यादा मन नहीं है। और आप
गलती पेरेंट्स की भी नहीं थी ना उस समय, उनको भी नहीं आइडिया था कि इसमें स्कोप क्या है। उनको ज्यादा से ज्यादा ये था कि फाइन आर्ट्स कर लो, फाइन आर्ट्स में फिर तुम डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी, आप किसी स्कूल में लग जाओगे या फिर आर्ट टीचर बन जाओगे। उनको जो मन में था वो समझाना बड़ा मुश्किल था उनको, वो ऐसा प्रोफेशन किसी चीज को देख रहे थे। मैं भी अभी पैशन की तरह देख रहा था, लेकिन वो प्रोफेशन की तरह देख रहे थे, और वो लग रहा था कि नहीं ये कुछ खास नहीं है, ये सोसाइटी अभी स्टैंड आउट करने लायक नहीं है। और गलती उनकी भी नहीं थी, उन्होंने देखा भी नहीं था कोई ऐसा आर्टिस्ट या फिर कोई इस तरह का। तो मैंने उनको दिखाया कि ये जो बना रहे हैं ये भी काम कर रहे हैं, ये भी फुल टाइम इसमें लगे हुए हैं। तो अब उनके सवाल ऐसे थे कि इनका कोई जवाब नहीं, कितना कमाते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हाँ क्या है तुम्हारे पास, कुछ क्या बोले, कुछ था ही नहीं। और फेसबुक से कोई कनेक्शन नहीं, घर वालों ने फोन भी नहीं दिया हुआ था। बाद में मेरे को पता चला नहीं सब चीज अब फेसबुक पे चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, तो वो तो फोन लेने के बाद पता चला। इस तरह से तो मतलब काफी स्ट्रगल स्ट्रगल करते 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 इस तरह से टाइम निकला। फिर धीरे धीरे मैंने फिर ऑनलाइन डिस्कवर करना चालू किया कि नहीं ऑनलाइन में कुछ किताबें मिल रही। होली काओ को मैंने पहले डिस्कवर किया था, एक ग्राफिक ग्राफिक जैम करके पेज था, वहां पर मैंने होली काओ डिस्कवर किया। तो आर्ट वर्क तो मेरे अच्छे नहीं थे, तो मैंने गौरव गौरव भैया से बात करने की सोची, उनसे पूछा कि भैया कैसे बनाते हो, किस तरह से बनाते हो। अब दिखा कोई तो दिखे, और मनु सर का तो कभी चेहरा ही नहीं देखा था उस समय, मनु सर दिखते कैसे हैं। अब ग्रीन महोत्सव होने की वजह से संजय सर का चेहरा दिख गया, मनु सर का चेहरा दिख गया, अनुपम सर का चेहरा दिख गया, और एक आध लोग और दिख गए, बट मेरे को नाम से कोई याद नहीं था कि हाँ ये हैं आर्टिस्ट हैं कोई, बस नाम मुझे याद नहीं। तो ऐसे करते करते तो टाइम निकल रहा था। उसके बाद फिर मुझे लगा ना ये प्रॉपर जॉनर एक्सप्लोर करना चाहिए, तो फिर मैंने और भी जॉनर एक्सप्लोर किया, और कौन कौन कॉमिक्स बना रहा है और क्या क्या कर रहा है। हालांकि उस समय तक मेरी आर्ट वर्क ऐसी थी कि कोई प्रिंसिपल्स नहीं चल रहे थे, बस सब रैंडम इधर से उधर जो दिख गया बना दिया, जो दिख गया बना दिया। इंटरेस्ट था, घर वाले भी देख रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा नहीं पहले पढ़ लो कुछ, एक स्टेबल जॉब कर लो फिर तुम करना। लेकिन रह रह के जब ये दिखा ना कि नहीं यार आर्ट खराब होती जा रही है, पढ़ाई अच्छी होने के बजाय और एवरेज होती जा रही है, और ध्यान लग नहीं रहा है, तो फिर मैंने थोड़ा सा घर पे बायकॉट वाला सीन किया, बोला भाई देख लो मेरे से नहीं हो रहा है मेरे को हाँ भेजो कहीं पे। तो फिर उसके बाद वो पुणे का सीन चालू हुआ, देन उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा कॉमिक लाइन में इंट्रोड्यूस होना चालू हो गया, थोड़ा थोड़ा करके कर रही। फिर विराट विलास पवार करके एक मेरे फ्रेंड है, तो उन्होंने मतलब मुझे देखा, उनसे मैंने स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ मेरे को प्रोजेक्ट्स दिए, उनके साथ मैंने काम किया, अभी भी कर रहा हूँ थोड़े थोड़े काम उनके साथ भी कर रहा हूँ। तो ऐसे करते करते कुछ पोस्ट करते करते मुझे हिमांशु जी ने एक बार मैसेज किया कि आप काम कर सकते हो क्या। तो बोला सर आप ट्राई करवा लो, मैं देख सकता हूँ, मैं श्योर नहीं कह सकते कि आपके लेवल का बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। उन्होंने पहले एक स्ट्रिप भी पेंसिल वर्क मैंने बनाया, बहुत ही बेकार बनाया नहीं अच्छी लगी उनको। तो मैं बोला इसको डिजिटल बनाओ, कह रहे हाँ बना, डिजिटल बनाया, डिजिटल उनको अच्छी लगी, कह रहे ठीक है ट्राई करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो दिव्य कवच, पहले दिव्य कवच मेरे हाथ में नहीं आनी थी, पहले आनी थी जोएब भैया के हाथ, क्योंकि उन्होंने शायद उसको प्लान कर रखा था। मेरे मेरे पास शायद शैडो ब्लेड आनी थी, उनकी एक सीरीज थी, कुछ हुआ जिसकी वजह से जोएब भैया शायद आउट हो गए थे, उनको उनका शायद टाइम का कंसर्न कुछ आ गया था। तो हिमांशु जी ने बोला कि ट्राई करना चाहोगे, मैं कहा नेकी पूछ कुछ ट्राई करते हैं। और उससे पहले पता चला विवेक सर ने काम किया था उस पर, मैं कहा यार तो लोड बढ़ गया करना पड़ेगा इस पे काम। तो अब स्टार्टिंग, अब आपने आज तक कॉमिक्स बनाई बहुत मन ऐसे बनाई अलग अलग तरीके से बनाई, लेकिन अब है आप प्रोफेशनली आ रहे हो इसमें, तो आपको टाइम का भी ध्यान देना है और आपको बढ़िया काम भी देना है। तो मुझे लगा कि यार क्या ही लगेगा, कितना ही टाइम लगेगा कॉमिक्स बनाने में, हो जाएगा, कोई बड़ा इश्यू तो है नहीं। तो मैंने बनाना चालू किया, लेकिन जब मैं बनाना चालू किया एक दो पेजेस के बाद मुझे लगा यार बहुत हेक्टिक काम है, इतनी आसानी से नहीं हो रहा है। तो मुझे फिर थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट बढ़ी उन लोगों के लिए कि जिन्होंने 6 6 7 7 कॉमिक्स बना डाली है, उन्होंने कैसे बनाया होगा। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि यार ये बहुत पैशन ड्रिवन जॉब है, ये आप ऐसे हवे में नहीं कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते, आप इसमें एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो। ये एक मीडियम है जो जिससे रीडर कनेक्ट होता है, आप कनेक्ट होते हो, स्टोरी कनेक्ट होती है। बहुत केसेस में आपने देखा होगा स्टोरी अच्छी होती होगी, लेकिन आर्टवर्क अच्छा नहीं होने की वजह से लोग थोड़ा सा कट ऑफ होने लगते हैं। वो स्टोरी की तारीफ तो कर देते हैं, लेकिन वो आर्टवर्क जब कनेक्ट नहीं होता तो फिर वो थोड़ा सा सोचते हैं कि यार नहीं यार ये अच्छा होता तो मजा आता।
और ग्राफिक नॉवल को ग्राफिक नॉवल कहा ही इसलिए जाता है कि वो उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप अच्छे से दे सको। राज कॉमिक्स का क्या योगदान मानते हैं आप इंडियन कॉमिक बुक्स के लिए? आप ऐसे देख के चलो कि ये ऐसी एक ग्राफिक नॉवल हुआ करती थी एट ए टाइम कि अब हर तीसरे बच्चे से अगर आप पूछो राज कॉमिक्स के बारे में, तो खाली नाम से ही वो आपको बता देता कि हाँ मैंने पढ़ी हुई। उसके पास हो ना हो डजंट मैटर, बट अगर आपने पूछ ली राज कॉमिक्स का कुछ भी आपने पूछ लिया, वो तो कुछ ना हाँ कुछ तो बताएगा जरूर, बिल्कुल वो बिल्कुल कुछ ना कुछ आपको जरूर बताएगा। वो कहाँ मिल रही है वो बता देगा। उसके पास पैसे नहीं है वो अब अलग चीज है, कहाँ मिल सकती है, कहाँ कहाँ उसने दी हुई है, किससे किससे तुम अचीव कर सकते हो, वो सब आपको बता देगा। ऐसे ये टाइम वैसा था। और हाँ लिटरली कभी कभी ऐसी कम्युनिटी बनती थी कि ठीक है संडे का दिन लेते हैं, क्योंकि मंडे से सैटरडे आपकी स्कूलिंग होती थी, घर आना होता था, संडे को एक टाइम होता था। तो उसमें होता था कि ठीक है ये कॉलोनी के बच्चे हैं, तुम्हारे पास कौन सी है, तुम्हारे पास कौन सी है, तुम्हारे पास कौन सी है, इन सबसे कलेक्शन कर लिया जाती थी कि ठीक है ये सारे कॉमिक्स हैं, आओ बैठेंगे, जमघट लगाएंगे छत पे किसी के, वहां पे एक्सचेंज कर करके पढ़ लेंगे। ऐसे में क्या होगा, तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, अपना काम भी हो जाएगा, पढ़ भी लेंगे। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ सुपर हीरोज और वैरायटी ऑफ कॉमिक्स देखने को मिल जाती थी। और प्लस आर्टिस्ट भी उस समय अपने में, एक आर्टिस्ट अगर होते तो लगता कि नहीं चलो एक ही स्पेसिफिक आर्ट लाइन है। उस समय इतने अलग अलग आर्टिस्ट थे, अलग अलग आर्ट वर्क स्टाइल थी, उनको देख के लगता था कि हाँ ये अलग फ्लेवर है, ये अलग फ्लेवर है, तो वैसा कुछ फील होता था। और आप ऐसे देखो कि डायमंड भी उस समय प्राइम पे थी और राज भी उस समय प्राइम पे थी। जिनको थोड़ी सी किडिश टाइप की पढ़नी होती थी वो डायमंड पे जाते थे, या फिर थोड़ा सा मोरल देखना होता था तो वो उस पे डायमंड पे भी जाते थे, थोड़ा रफ टफ जाना होता था तो वो लोग राज पे जाते थे। तुलसी भी थी, मनोज भी थी, लेकिन प्राइम पे उस समय राज ही चलती थी। क्योंकि आप अगर देखो स्टॉक के मामले में देखो लोग कितना कंज्यूम कर रहे थे उस समय राज को, और बिल्कुल आई गेस थोड़ा शक्तिमान की वजह से भी वो चीज एड अप हुई थी। शक्तिमान जब आना चालू हुआ था, फिर किसी ने शायद शक्तिमान को राज कॉमिक्स में भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो थोड़ा सा लगा कि नहीं राज कॉमिक्स में अगर शक्तिमान आता तो राज कॉमिक्स में और भी कुछ चीजें होंगी, फिर हाँ कुछ लोगों ने उस तरीके से भी उठा के पढ़ना चालू किया। तो आप, मैं जिस जहां से मैं आता हूँ, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, और जो जॉनर यहाँ पे लोग कंज्यूम करते हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज 80 से 90% लोग उस एरा में राज कॉमिक्स को जान रहे होंगे। बिल्कुल हार्डली कुछ लोग होते हैं कि जो जैसे अब जो वेंडर्स हो गए, कुछ ऐसे अपने यहाँ वेंडर्स थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, बस ये था कि उनको धंधा चलाना, तो उनको भी समझ में आता था कि हाँ ये चीज है, ये चीज बिकती है, इसको रख लो, तो ऐसे था। तो इस तरीके से मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हाँ उनका इन्फ्लुएंस काफी था। अगर उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता तो आज के डेट में सेकेंड वेव या थर्ड वेव के आर्टिस्ट आपको देखने को नहीं मिल रहे होते कॉमिक हाँ बिल्कुल बुक में। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को। और एक होता ना कि पैशन, जब तक आप अपना काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत रेयरली होता है कि कोई आर्टिस्ट पढ़ाई करते करते काम करे, क्योंकि घर वाले अलाउ नहीं करते, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट करेगा या 12th खत्म हो जाए, ग्रेजुएशन पे आ जाऊं, उसके बाद मैं चालू करता हूँ। कुछ लोगों ने मतलब लिटरली अपना पिक कर लिया, कुछ लोगों ने घर पे बात की। अब जैसे हेमंत सर ने हो गया, चडम हो गया, इन लोगों ने बोला कि नहीं 12th के बाद मुझे इसमें आर्ट लाइन में जाना है, उसी से रिलेटेड पढ़ाई करनी, तो उन्होंने पढ़ाई ऑप्ट कर ली। कुछ घर वाले सपोर्टिव होते हैं, कुछ घर वाले नहीं सपोर्टिव होते, हाँ तो जब वो देखते हैं कि हाँ आप अब अपने डिसीजन लेने लायक हो गए हो, तो फिर उसके बाद कुछ लोग तब स्विच करते हैं। मेरे साथ ये फेज थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि घर घर पे कन्विंस करना और घर के माहौल के हिसाब से आगे बढ़ना, वो सपोर्टिव, अब तो बहुत सपोर्टिव, फुली सपोर्टिव है। वो आते हैं, बुक्स देखते हैं, अच्छा कौन सी आई, अच्छा इसमें तुमने बनाया, हाँ बनी, तो अब तो कोई इश्यू नहीं आता, लेकिन स्टार्टिंग के फेज में सबके साथ थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहा होगा। मैं समझता हूं कि इस पॉइंट पे अगर ये सही समय है तो ये कहना भी ठीक रहेगा कि यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं इस कन्वर्सेशन को। मजा तो अब आना शुरू हुआ एक्चुअली में बातचीत करने का। जो रिदम बनती है वो तो अब बनी है ये लास्ट के 10-15 मिनट में, क्योंकि मुझे लगता जी है जब आर्टिस्ट दो बैठते हैं, दो फैंस बैठते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या रीडर हो, वो घंटों बिता सकते हैं बातें करते करते। लेकिन समय की भी एक बद्धता है और अपने आप में, लेकिन ये वाकई में काफी अच्छा एक सेशन रहा है। वंस अगेन मैं कहूंगा कि ये तो चलो ऑनलाइन हो गया, बट हमको मिलना तो बनता है फॉर श्योर।
बिल्कुल ये भैया, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा, अगर मैं आ सका आपकी जगह पे तो मैं जरूर आऊंगा। बिल्कुल आपको आपको फुल ऑन ऑन रिकॉर्ड इनविटेशन है टू देहरादून। आप देहरादून आओ, उत्तराखंड आओ, एंड इफ यू आर हियर देन इट वुड बी ग्रेट। और यहाँ की भी एक प्यारी सी छोटी सी एक आर्ट कम्युनिटी है, उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, एंड हु नोज आपको इंस्पिरेशन के लिए बहुत कुछ मिल जाए। एंड या मोस्ट प्रोबेबली अगर अगर कभी संभव हो सका दिल्ली एनसीआर में मिलना हो सका तब तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आई जस्ट होप कि हम मिलेंगे, एंड आई थिंक इस साल के अंत तक जब दोबारा 2023 का कॉमिक कॉन होगा, दिल्ली कॉमिक कॉन, तो उसमें तो हम मिलेंगे ही फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल मिलना बिल्कुल चाहिए। आज के सेशन को फिर पुनीत यहीं खत्म करते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू भैया, चलिए, टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू। गुड बाय। थैंक यू भैया, बाय बाय भैया।